हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। मैं आनंदी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्थ बेबी केयर में। गाइज, आज बात करने वाले हैं कि जिन भी कपल्स की जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, अगर उनके साथ जो रिलेशन होता है, अगर उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए, दिलचस्पी ना दिखाए, तो क्या करना चाहिए। अगर आप दोनों कपल्स के बीच में अगर ऐसा हमेशा मतभेद होता है, दोनों कपल्स अच्छे से इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, रिलेशन नहीं बन पाता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा झगड़े होते हैं, जो कपल्स हैं एक दूसरे को खुश नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के मन की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो अगर करते समय इस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने पार्टनर को वो सुख वो खुशी दे पाएंगे जो कि आज तक आपने दिया नहीं है, जो कि आज तक उस चीज़ के लिए आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ, मतभेद और कहाँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। पार्टनर है अपने उस पार्टनर के पार्ट्स यानी कि जो पेनिस है उसे छूना नहीं चाहती, उसे टच नहीं करना चाहती या उसे मुँह में नहीं लेना चाहती, तो इसके पीछे का कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि उसे छूना नहीं चाहती, उसे मुँह में नहीं लेना चाहती। दूसरी बात कि अगर कोई भी पुरुष पार्टनर है जो कि अपने महिला पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, उन्हें वो सुख नहीं दे पाते हैं, उनके मन की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि जब भी आपको संभोग करने जाना होता है, यानी कि जब भी आप दोनों कपल्स को संभोग करना, जब भी आप दोनों कपल्स रिलेशन में होने जाते हैं, जब आपको लगता है, जब आपका मूड बन जाता है कि आपको रिलेशन में जाना है, तो उससे पहले क्या करना चाहिए कि आप अपने पार्ट्स को साफ रखें। अगर तैयारी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, तैयारी करके रखेंगे तभी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अपने पार्ट्स को साफ रखें, स्वच्छ रखें। साफ़ कैसे करना है, वहाँ के बाल को साफ रखिए। अगर बाल साफ़ हैं फिर भी अगर बदबू आ रही है, वहाँ से ज़्यादा पसीना होते हैं, तो क्या करना है कि जैसे कि जो डिटॉल साबुन है, डिटॉल साबुन भी हल्का सा अपने हाथों पर लगा के साफ़ कर सकते हैं, डिटॉल साबुन नहीं लगा सकते, जो डिटॉल पानी वाला आता है, 2 बूंद या 1 बूंद एक जग पानी में डाल के उसे अपने पार्ट्स को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। महक बदबू भी दूर हो जाएगी, इन्फेक्शन भी साफ़ हो जाएगा और दोनों कपल्स अच्छे से एक दूसरे के पार्ट्स को टच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि अगर दोनों कपल्स के मुंह में छाले हैं या फिर जो दांतों में दर्द है, सूजन है या फिर कीड़े पड़ गए हैं, दांत जैसे सड़ जाते हैं, अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे पार्टनर एक दूसरे के जो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसे अपने मुंह से टच ना करें, ऐसे में इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके जो महिला पार्टनर है, सफाई भी सही है, महक और बदबू भी नहीं आ रहा है, फिर भी अगर आपके जो पेनिस है उसे मुंह में नहीं लेना चाहती, यानी कि उसको किस नहीं करना चाहती, उसे टच भी नहीं करना चाहती, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सिर्फ आप एक चीज़ करिए, तो ऐसे में आपको वहाँ पे फोर प्लेस अपने पार्टनर के साथ करना चाहिए। फोर प्लेस इतना करिए कि आपके जो महिला पार्टनर है वो खुद पे खुद एकदम से राजी हो जाए, उत्तेजित हो जाए, उनके अंदर वो सारी फीलिंग आने लगे जो आप कहें, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ करने के लिए रेडी हो जाए। तो सबसे जो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है वो होता है फोर प्ले। तो फोर प्ले ज़रूर करना चाहिए, हर कपल्स को करना चाहिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि फोर प्ले एक ऐसा सीढ़ी होता है जो कि आप अपने महिला पार्टनर को बिना संभोग किए भी उसको चरम सुख दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर प्ले करके। आप अपने पार्टनर के साथ वो ऐसा प्यार करिए जो कि आपकी शादी अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी हो गई हो, आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करिए कि आपकी शादी जस्ट अभी नहीं हुई है। अगर आप ऐसा बर्ताव करके उसके साथ प्यार करते हैं तो आपके रिश्ते में कभी भी दरार, कभी भी कड़वापन या कभी भी दूरियां नहीं होगी। आपका प्यार हमेशा तरोताज़ा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कम कभी नहीं होगा। आप जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ प्यार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के छोटी से सजेशन में आप लोगों के लिए लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आए रखें, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो, नए टिप्स, नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने लाइफ में हैप्पी रहें, खुश रहें, अपने फैमिली का ध्यान दें। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।